अगेन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। मैडम, हम बात कर रहे थे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे कि ऑक्सीजन डिजोल्व होती है पानी के अंदर, ये ऑक्सीजन स्मॉल अमाउंट में डिजोल्व हो रही है बेटा पानी में, ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व नहीं हो सकती, क्योंकि स्मॉल अमाउंट भी एक्वेटिक लाइफ के लिए ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था HCl को। HCl भी हाईली सोल्यूबल है वाटर में, तो HCl गैस है, उसका अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये भी ज़्यादा सोल्यूबल देखने को मिल जाती है। जो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस है, ये टेम्परेचर प्रेशर के साथ इनको सोल्यूबिलिटी बढ़ाई जा सकती है गैस के केस में, जबकि सॉलिड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं था। सिर्फ गैस के केस में प्रेशर बढ़ाते हैं तो सोल्यूबिलिटी लगातार बढ़ जाती है। फिर कहता है सोल्यूशन ऑफ गैस इन ए सोलवेंट, अगर हम कंसीडर करें जैसे 2.1, ये यहाँ पर हमारे पास फिगर है 2.1 ए का। यहाँ पर पार्टिकल दूर दूर थे, ये ऊपर मतलब वेट का मतलब है, पिस्टन के ऊपर वेट रखा हुआ है। और जैसे ही हमने वेट बढ़ा दिया, बढ़ाते ही क्या हुआ, W1 W2, इससे क्या हुआ, इस पिस्टन ने ज़्यादा प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते ही गैस के पार्टिकल और भी क्लोज आ गए, मीन्स लिक्विड के अंदर क्या हो गया बेटा, ये सोलिबल हो गए। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला गया सोलिबिलिटी ऑफ गैस के केस में। यहाँ पर इसको वेल एक्सप्लेन बताने के लिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट आ रहा है जिनका नाम है हेनरी। हेनरी ने सबसे पहले क्वांटिटेटिव रिलेशन को फाइंड आउट करा था प्रेशर एंड सोलिबिलिटी ऑफ गैस के बारे में उन्होंने बताया, और जो उनका लो था वो हेनरी लो था। ये लो क्या कहता है, कहता है कि अगर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कर दें, जो सोलिबिलिटी ऑफ गैस है इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो उसके सरफेस के ऊपर होगा, लिक्विड या सोल्यूशन के ऊपर। तो हेनरी लॉ कहते हैं कि जितना प्रेशर अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हो तो उतनी ज़्यादा वो सोल्यूबल होनी शुरू हो जाएगी, पर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं साथ में और प्रेशर बढ़ा रहे हैं बेटा, ऐसे मान के चलो गैस के पार्टिकल ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और रैंडमली मोशन ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो डाल्टन एक कंटेम्प्रेरी ऑफ हेनरी था, और उन्होंने भी इनडिपेंडेंटली सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में बताया था, और उन्होंने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का वर्ड यूज करा था, पार्शियल प्रेशर्स। अगर हम यहाँ पर इफ यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन एज ए मेजर ऑफ सोलिबिलिटी, देन इट कैन बी सेड। यहाँ पर ऊपर वाले केस में हमने यहाँ बताया था कि सोलिबिलिटी ऑफ गैस, सोलिबिलिटी मीन्स अमाउंट ऑफ गैस कह सकते हो, जैसे एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पी के, और यहाँ पर जब डायरेक्टली ओपन करते हो तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट आता है KHP, मतलब हेनरी कॉन्स्टेंट। पर जब मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लिया गया तो डेफिनेशन चेंज हुई थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए सोल्यूशन, मतलब गैसों का मोल फ्रैक्शन होगा जो सोल्यूशन में हम ऐड करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन। तो ये डेफिनेशन थी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, क्योंकि मोल फ्रैक्शंस जो था वो गैसों का, क्योंकि गैस स्मॉल अमाउंट में पानी के अंदर डिजोल्व होंगी और जब उनका प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो उनका अमाउंट मोल फ्रैक्शन लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बात ध्यान देना, पहले वाले केस में सोलिबिलिटी दिया गया था, बाद में मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लिया गया कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली होता है पार्शियल प्रेशर के, जो मोस्टली कॉमन यूज होने लगे हेनरी लॉ में, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला डेफिनेशन यूज़ होने लग गई कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मीन्स इन वेपर फेड प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मीन पी डायरेक्टली टू एक्स, जैसे ही हम ओपन करते हैं तो कॉन्स्टेंट आता है KH, हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको। और ये वाली वैल्यू KH की वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग होती है, पर एक बात हमें रिमेंबर रखनी है कि KH की वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट तो है, पर ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर KH की वैल्यू, यहाँ पर जो CBSE बोर्ड जो क्वेश्चन डाल सकता है KH के ऊपर, हायर द वैल्यू KH एट गिवन प्रेशर लोअर इज सोलिबिलिटी, तो बेटा KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी सोलिबिलिटी कम होगी, जैसे कि हम टेबल 2.2 में इसको अच्छी तरह से चेक करेंगे। बेटा ये टेबल है 2.2, जैसे हीलियम हाइड्रोजन 293, ये टेम्परेचर्स गिवन्स हैं। KH की वैल्यू हमें लो चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ये ज़्यादा देखो, और जो है जितनी ज़्यादा होगी KH की वैल्यू उतनी सोलिबिलिटी लिक्विड के अंदर कम होगी, मीन्स लिक्विड कौन सा ले रखा है, वाटर। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन वैल्यू देखो कितनी ज़्यादा है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ले लो
293 और 303 पर जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो सोलिबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि सोलिबिलिटी KH पे डिपेंड करती है। मतलब हेनरी कॉन्स्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी सोलिबिलिटी कम होगी। ऑक्सीजन के 34.86 है, 34.86 ऑक्सीजन की 293 पर। अब हम ये चेक करते हैं किसकी सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा है लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर, जिसका KH जितना कम होगा। आप चेक करो बेटा, देखो CO2 का KOH कम है 16.67, इससे भी कम किसका है, फॉर्मेल्डिहाइड का 298, मतलब रूम टेम्परेचर होता है ये 298, मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस 1.83 × 10⁻⁵ सबसे कम है। तो फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा केमिकल है जो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है। फिर मीथेन आप देखो 0.413 और विनाइल क्लोराइड 0.611, तो सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, फिर है मीथेन, फिर है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड के बाद आता है बेटा CO2। अब ये ऑक्सीजन तो बहुत कम सोल्यूबल है, नाइट्रोजन भी कम सोल्यूबल्स हैं, पर स्मॉल अमाउंट ही एक्वाटिक लाइफ के लिए ज़रूरी बोली गई है। अगर हम टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं, अगर इफेक्टिव टेम्परेचर चेक करें तो सोल्यूबिलिटी लगातार कम होती चली जाएगी, ठीक है। और एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं उनको वो मोर कम्फर्टेबल देखे गए हैं कोल्ड टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, क्योंकि लो टेम्परेचर पर ज़्यादा ऑक्सीजन सोल्यूबल हो जाती है। ये न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे, पहले हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस कर लें बेटा। हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस चार एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर के अंदर ऐड किया जाता है हाई प्रेशर ऐड करके सील्ड कर देते हैं, बंद कर देते हैं ऊपर से। सेकंड है कि स्कूबा डाइवर जो समुद्री गोताखोर होते हैं उनको हाई कंसंट्रेशन और डिजोल गैस के साथ कोप करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है जब वो समुंदर के अंदर जाते हैं। जब वो सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं हाई प्रेशर अंडर वाटर, तो उसमें इंक्रीज जो प्रेशर होता है वो उस जो इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन ब्लड, ब्लड के अंदर जो प्रेशर की वजह से गैस डिजोल्व हो जाती हैं। जब वो डाइवर्स बाहर आते हैं तो बेटा प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होता है और ये वाली जो गैसें हैं हमारे जो बबल्स की फॉर्म में कौन सी, नाइट्रोजन ब्लड के अंदर चली जाती है और वो ब्लड ब्लॉक कर देती है हमारी कैपिलरी को, और इस कंडीशन को हम नाम बोलते हैं बैंड। मतलब जब वो बाहर आता है समुंदर से वो बैंड हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर मुड़ जाते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं बैंड, क्योंकि कैपिलरी ब्लॉक होगी ना तो ब्लॉक होने से बैंड की कंडीशन आने लग जाती है, तो बड़ी पेनफुल और डेंजरस रहती है लाइफ के लिए। इसको अवॉइड करने के लिए हीलियम को ऐड किया गया था 11.7% हीलियम, क्योंकि हीलियम ब्लड में कम सोल्यूबल है। ये बेटा पी ब्लॉक में क्वेश्चन आता है हीलियम क्यों ऐड की जाती है ऑक्सीजन के साथ। नाइट्रोजन है 56.2% नाइट्रोजन है और 32.1% ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन है पर नाइट्रोजन क्या करती है हीलियम क्या करती है नाइट्रोजन को डिजोल्व नहीं होने देती या ना ब्लॉक होने देती। फिर एक है हाई एल्टीट्यूड जो पहाड़ों पे जाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बेटा उस टाइम कम होता है ग्राउंड लेवल से। लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन होने की वजह से लोगों का जो ब्लड जो टिश्यू जो है लोगों के वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पर या क्लाइंबर जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं उनको ब्लड में ऑक्सीजन कम होने की वजह से थोड़ी वीकनेस या सोचने की क्षमता जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, और इस कंडीशन को क्या नाम बोलते हैं एनोक्सिया। आप ये कह सकते हो ऑक्सीजन का कम होना हाई एल्टीट्यूड पर, तब इसलिए जो माउंटेनियर होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके जाते हैं। फिर इफेक्टिव टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं गैसों के ऊपर तो सोलिबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हैं सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर गैसों की सोलिबिलिटी चेक करें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल रैंडमली घूमते हैं और क्या होगा जो सोलिबिलिटी है लगातार क्या होगी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो टेम्परेचर का इफेक्ट याद रखना कि सोलिबिलिटी डिक्रीज। बेटा यहाँ तक आपने कवर करना है इफेक्ट टेम्परेचर तक हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, और चार एप्लीकेशंस काफ़ी बार पेपर में ये आ जाती हैं। कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछें, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस। और उससे अगला टॉपिक हमारा रहेगा वेपर प्रेशर। अब प्रेशर का ही हमने रोल देखना है, पहले अभी हमने जो देखा हेनरी लॉ में वो प्रेशर ऑफ गैस था, अब हम प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड की हम बात करेंगे, ठीक है बेटा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहें।